मैं शिवानी मिस, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। लर्निंग, ये आपकी साइंस की बुक है, लर्निंग इज साइंस। अब पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स में सबसे पहला चैप्टर है थिंग्स अराउंड अस, सेकंड चैप्टर है प्लांट्स सो मेनी, थर्ड चैप्टर है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, थिंग्स अराउंड अस। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स मीन्स वस्तुएं, अराउंड मतलब चारों ओर। तो वो वस्तुएं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं उनके बारे में हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन सा टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स गिवन बाय नेचर, थिंग्स मेड बाय अस। आप लोग यूकेजी से पढ़ के आए होंगे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, मैनमेड थिंग्स। टेक द थिंग्स दैट इट फूड, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पे थिंग्स में टिक करना है जो खा सकते हैं, ठीक है, जो इट करते हैं। तो फ्रॉग खा सकते हैं, इसमें टिक होगा। बटरफ्लाई खा सकते हैं, इसमें टिक होगा। गर्ल खाती है, इसमें टिक होगा। पेंसिल खा सकता है, नहीं खा सकता, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा। बैग खा सकता है, नहीं खा सकता, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा। बलून खा सकता है, नहीं खा सकता, तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। फिश खा सकता है, यस खा सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे। बॉल खा सकता है, नहीं खा सकता, तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को नेम भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉग, फिश, गर्ल एंड फिश। ठीक है, जो जो खा सकते हैं उनका नेम लिखना है हमें यहाँ पे। इन दिस लेसन वी विल फाइंड आउट हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कितना अलग है। तो पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स, लिविंग थिंग्स की अलग विशेषताएं हैं। दीज फीचर्स मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, इसकी विशेषताएं नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग हैं। एक्टिविटी वन, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस टू फाइंड आउट व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू। द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स आर देयर टू हेल्प यू। हेल्प बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है जो हमें हेल्प करेगा ये ब्लैंक्स को भरने में। तो हमें यहाँ देखना है कि ये क्या कर रहे हैं और यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, खा रहा है। यहाँ क्या लिखना है, लिविंग थिंग्स कैन ईट। हॉर्स मूव कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखना है, लिविंग थिंग्स कैन मूव। छोटा ट्री है, ये बड़ा हो गया, तो ये ग्रो किया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है। आदमी यहाँ क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। हेन के पास उसके बेबी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, लिविंग थिंग्स कैन हैव बेबीज। ये लड़का को मच्छर ने काट लिया, तो इसे फील हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स कैन ईट, मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड फील। दे कैन हैव बेबीज और their own little ones. Living things, the things which can eat, move, grow, breathe and feel, it's called living things. वैसे things जो living things उसको बोलते हैं हम, जो खा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल मैन, गर्ल, कैट, एंट, ट्री, ये सब क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव, ईट, फील और ग्रो। दे कैन नॉट हैव बेबीज। टॉयज, पेंसिल्स, एयर, वाटर एंड बुक्स आर सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स विच कैन नॉट ब्रीथ, मूव, ईट, फील एंड ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स उसको बोलते हैं जो सांस नहीं ले सकते, मूव नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, टॉयज, पेंसिल्स, पेन, बुक,
कार ये सब क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक्टिविटी टू देखिए, गो फॉर अ वॉक विथ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, राइट द नेम ऑफ फाइव लिविंग थिंग्स एंड फाइव नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू सो। आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हो घूमने के लिए, अपने पापा मम्मी के साथ या अपने दादा दादी के साथ, तो आप वहां पे जो भी फाइव लिविंग थिंग्स देखते हो, फाइव नॉन लिविंग थिंग्स देखते हो, उसके बारे में आपको लिखना है कि आपने क्या फाइव लिविंग थिंग्स देखा और क्या फाइव नॉन लिविंग थिंग्स देखा। ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल एंड रॉक्स आर फाउंड इन नेचर, दे आर नेचुरल थिंग्स। जो थिंग्स हमें नेचर से मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। ठीक है, द थिंग्स विच मेड बाई गॉड इज कॉल्ड, सिंपल तरीके में भी हम इन्हें बोल सकते हैं, द थिंग्स विच मेड बाई गॉड इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, सन, मून, स्टार, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स है। ठीक है, थिंग्स मेड बाई अस इसे हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बुक्स, टॉयज, कार्स एंड पेंस आर थिंग्स मेड बाई अस, दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। द थिंग्स विच कैन मेड बाई मैन इज कॉल्ड man-made things, फॉर वो थिंग्स जिसे मैन ने बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं, man-made things। तो क्या हो जाएगा, book, toys, car, pen, pencil, ये सब क्या हो जाएगा, man-made things। ठीक है, plants and animals, यहाँ छोटा सा summary दिया हुआ है, plants and animals are living things, plants और animals क्या है, living things, living things move, eat, breathe, grow, फील एंड हैव बेबीज। अभी मैंने बताया था ना, लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो मूव करते हैं, खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके खुद के बेबीज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, नेचुरल थिंग्स हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ईट, ब्रीथ, ग्रो, फील एंड हैव बेबीज। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, बढ़ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स सच एज बुक्स, टॉयज, पेंसिल्स आर मेड बाई ह्यूमंस, अभी मैंने बताया था ना, द थिंग्स विच मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, जैसे बुक्स, टॉयज, पेंसिल्स, इसे मैन ने बनाया तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैन मेड थिंग्स। अब मैं आपको आज का होमवर्क देने जा रही हूँ, तो आपको इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, राइट 10 लिविंग थिंग्स, राइट 10 नॉन लिविंग थिंग्स, राइट 10 नेचुरल थिंग्स, राइट 10 मैनमेड थिंग्स। राइट 10 लिविंग थिंग्स में क्या क्या हो जाएगा, मैन, एंट, कैट, फिश, डॉग, एटीसी। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो जाएगा, बुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, एटीसी। नेचुरल थिंग्स में क्या हो जाएगा, सन, मून, स्टार, हिल, स्प्रिंग, एटीसी। मैन मेड थिंग्स में क्या हो जाएगा, कार, बस, जिसे मैन ने बनाया, पेन, बुक, पेंसिल, एटीसी। दैट्स ऑल।